जो भी ये कहता है कि किसी भी सियासतदान के ऊपर रेड लाइन लगा दी है या काटा मार दिया है, पहले तो ना उनको सियासत की समझ है, ना उनको इस मुल्क की तारीख की समझ है, ना उनको दुनिया की तारीख की समझ है, और ना ही वो ये समझते हैं कि रेड लाइन से सियासतदानों को खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं तो मुजीब रहमान खत्म हो जाता, नहीं तो अकबर बुगती के कत्ल के बाद जो तबाही मची है अभी बलूचिस्तान में, आज तक हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, वो ना देते। और ये MQM को जो बनाया गया था और कराची को तबाह किया गया था, तो वो पीपल्स पार्टी के ऊपर रेड लाइन लगा के किया गया था, फिर MQM के ऊपर रेड लाइन लगा के तो हकीकी बनाई गई थी, और कराची जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल था उसकी तबाही हुई थी। रेड लाइन सिर्फ अवाम लगाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से अवाम को मौका दें रेड लाइन लगाने का। और अवाम को मैं ये कहता हूं कि आपने कभी किसी को रेड लाइन लगाने इसलिए नहीं देना क्योंकि इसका मतलब कि जमहूरियत खत्म होगी पाकिस्तान में, इसका मतलब तो आप फैसला कर लें कि जमहूरियत खत्म है। आज अवाम है इस कौम के वारिस अल्लाह के बाद, अवाम का फैसला है कि वो किसको मुंतखब करते हैं और किसको नहीं करते हैं।